सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा डेली पंजाब न्यूज़ दे विच। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर सिर्फ 21 दिनां लई जेल तो बाहर आए राम रहीम बारे हरियाणा सरकार वालों आई हुण इह ताज़ा वड्डी खबर। दोस्तों इस वेले दी वड्डी खबर आ, सो खबर नूं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर देख लैणा, तुहानूं पूरी खबर बारे पता चल जाएगा। उस तो पहला दोस्तों एक छोटी जिही बेनती है, साडी वीडियो नूं लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुलना। एक पासे देश के दे पांच सूबों में चोणों का सिलसिला चल रहा है, इन चोणों के नतीजे हुण 10 मार्च को ऐलाने जाने हैं, पर इन चोणों तो पहला राम रहीम नूं मिली फरला नूं लैके काफ़ी विवाद पैदा होया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम नूं दित्ती फरलो ते लिखती जवाब भी मंगिया सी। इस तो बाद हुण राम रहीम नूं हरियाणा सरकार वल्लों जैड प्लस सिक्योरिटी दित्ती गई है, तो जैड प्लस सिक्योरिटी नूं लैके काफ़ी सवाल हरियाणा सरकार ते उठ रहे हैं, जिसनों लैके हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना पक्ष रख्या है। दरअसल वख-वख सवालों नूं लैके हुण मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राम रहीम नूं दित्ती गई सिक्योरिटी नूं जेल या फरलो ते नाल जोड़ के ना वेख्या जाए। उन्हें कहा है कि कैदी भावें जेल में रहे या जेल तो बाहर उसनों सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेवारी होंदी है। उन्हें कहा कि सानू सूह मिली सी कि राम रहीम की जान खतरे में है, जिसके चलते उन्होंने जैड प्लस सिक्योरिटी दित्ती गई है, इसलिए जैड प्लस सिक्योरिटी उन्हां दी सज़ा या फरलो दे नाल जोड़ के ना वेख्या जाए। इस दे नाल ही उन्हां कहा है कि इस प्रति मुड़ तो समीक्षा की जाएगी, जेकर राम रहीम की जान नूं खतरा ना होया तां उसकी समीक्षा प्राप्त हुंदे ही उसकी जैड प्लस सिक्योरिटी हटा दिता जाएगा।